नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि इसका पाइप कनेक्शन कैसे होता है एलपीआर सिस्टम का। इस वीडियो में इसका टेस्टिंग बताएंगे, इसका टेस्टिंग कैसा होगा, इसमें हवा कैसे भरेंगे और इसे हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों काम लगभग पूरा हो गया। देख सकते हैं कि यहाँ अब सेफ्टी वाल्व और प्रेशर गेज जो घड़ी होता है और साथ में नीचे एक ड्रेन वाल्व लगेगा, ठीक है, वो लगाकर और फिर से इसका टेस्टिंग हम शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इंतज़ार कर लेते हैं दोस्तों कि इसका जो सेफ्टी वाल्व और प्रेशर गेज है ये लग जाए। तो देख सकते हैं वहाँ पर प्रेशर गेज और सेफ्टी वाल्व लगाया जा रहा है। बाकी सभी काम इसका कंप्लीट हो चुका है, जितने भी वेल्डिंग करने के लिए पॉइंट थे सभी वेल्ड हो गया है और पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आपको इधर से दिखा देता हूँ, पिछले तीन वीडियो मैंने आपको शेयर किया है, जिसमें एक वीडियो में मैंने बताया है इसके पाइप कनेक्शन के बारे में, इस वीडियो में इसका टेस्टिंग बताएंगे दोस्तों। तो चलिए इसका टेस्टिंग करेंगे दोस्तों। टेस्टिंग करने के लिए दोस्तों KC4 ये कंप्रेसर है, KC सीरीज का क्लस्टर का कंप्रेसर है, इससे हम हवा भरेंगे। इसे हवा भरने के लिए दोस्तों पिछले कई वीडियो में मैंने बताया हवा कैसे भरते हैं, लेकिन फिर भी मैं नए व्यूअर्स के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ देख सकते हैं कि अगर इधर कहीं भी पाइप नहीं लगा हो और वहाँ से वाल्व नहीं लगा हो सेक्शन से बाहर से हवा देने के लिए, तो इस ढक्कन को हम खोल सकते हैं। तो इस ढक्कन को खोलकर हम हवा इसमें देंगे और बाईपास के जरिए सेक्शन में हवा देंगे, ठीक है। जो बाईपास सिस्टम होता है कंप्रेसर के ऊपर, तो बाईपास के जरिए हम इस सेक्शन लाइन में हम हवा देंगे और उसके थ्रू मैं बताऊंगा कि जो एलपीएस सिस्टम है उसमें हम हवा कैसे भरेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि सेफ्टी वाल्व जो है, आपको दिखा देता हूँ कि ये टाइट हो रहा है, तो सेफ्टी वाल्व का जो कनेक्शन है ये पूरा होगा, उसके बाद हम हवा को भरेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर देंगे ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देख सकते हैं दोस्तों कि सेफ्टी वाल्व को टाइट हो रहा है और एक प्रेशर गेज साथ में लगेगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वाल्व जो खाली है उसमें प्रेशर गेज लगेगा, ठीक है। तो चलिए लगा कर और इसमें हवा भरते हैं। इधर पर का वाल्व है वो सभी वाल्व को खोल लेंगे और क्योंकि इधर वेल्ड है तो ये भी वाल्व खुला रहेगा, ठीक है, इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसलिए ये वाल्व सभी खुला रहेगा हेडर का। बाकी जितने भी वाल्व हैं वो सभी वाल्व खुले रहेंगे, तो इसको सभी को मैं खोल लेता हूँ और ऊपर का सेक्शन का और उधर से जो चैम्बर से आने वाले वाल्व है सभी वाल्व खुला रहेगा। एक्सपेंशन वाल्व है वो भी खुला रहेगा, ठीक है, बाकी वो भी वाल्व खुला रहेगा सेक्शन वाला। और यहाँ देख सकते हैं कि जो चैम्बर से आ रहा है, आपको दिखा देता हूँ, चैम्बर से जो पाइप आ रहा है सेक्शन का, तो उस साइड में भी पॉइंट है वेल्ड किया हुआ है, तो वो भी वाल्व खुला रहेगा, ठीक है, ताकि उसको भी चेक किया जा सके। उसी तरह उसमें भी तीन चैम्बर है तो तीनों का खुला रहेगा ताकि सभी पॉइंट को चेक किया जा सके दोस्तों। तो सभी को हम खोल लेंगे, ठीक है, और अंदर चैम्बर में चलते हैं दोस्तों। इवोपरेटर के पास भी वाल्व को बंद करना पड़ेगा, तो चलिए ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ किस तरह क्या करना है। देख सकते हैं दोस्तों कि हम चैम्बर में आ गए हैं, ये है इवोपरेटर, तो यहाँ पर जो लिक्विड लाइन का वाल्व है इसे इस तरह बंद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये लिक्विड लाइन का वाल्व बंद कर लेंगे और जो सेक्शन लाइन का वाल्व है 2 इंची का, तो 2 इंची 3 इंची जैसा भी वाल्व हो वो सेक्शन लाइन का वाल्व बंद कर लेंगे और ये लिक्विड लाइन का भी वाल्व बंद कर लेंगे, ठीक है, ताकि इसमें इवोपरेटर में हवा ना आए। अगर इसमें हवा आएगा तो आपको ज़्यादा हवा भरना पड़ेगा, समय लगेगा काफ़ी, इसलिए इसे बंद कर लेते हैं कि इसमें हवा ना आए, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर भी हमें मशीन में टेस्ट करना है और सेक्शन लाइन में भी चेक करना है, ठीक है, इसलिए इधर हवा इवोपरेटर में हवा नहीं देंगे। तो चलिए इसे बंद कर लेते हैं
तो मैं इसे बंद करके और चलता हूँ मशीन में, फिर हवा भरते हैं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों कि लो प्रेशर रिसीवर के ऊपर हैं हम। यहाँ पर प्रेशर गेज लगेगा, तो प्रेशर गेज को लगा लेते हैं और इसको भी हम खोल देंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंट है, टाइट किया हुआ है, तो सेफ्टी वाल्व को चेक करना पड़ेगा ताकि ऊपर से लीक ना हो, इसलिए इसको भी खोल लेंगे ताकि इसके अंदर भी हवा जा सके। और यहाँ प्रेशर गेज हम टाइट कर लेते हैं, फिर ये भी खुला रहेगा क्योंकि उसको भी चेक कर लेंगे। बाकी ये वाल्व ठीक है, और वो वाल्व, सभी वाल्व खुला रहेगा, ये भी वाल्व खुला रहेगा, जितने भी वाल्व हैं ये खुले रहेंगे। ठीक है, तो हवा भरने से पहले जो भी वाल्व खुलना था, बंद करना था, वो मैंने कर लिया है। आप पंप को स्टार्ट करते हैं, पंप मैंने स्टार्ट कर दिया है, कंडेंसर का पंप पानी वाला स्टार्ट कर दिया है। अब हम कंप्रेसर को स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है, ऑयल प्रेशर आ गया है दोस्तों। अब जब तक लोड में आता है तब तक इंतज़ार कर लेते हैं, लोड में आएगा। एलपीआर सिस्टम में 150 हवा भरेंगे, 150 से थोड़ा कम भरेंगे क्योंकि इसका प्रेशर गेज 150 का है, तो थोड़ा कम भरेंगे, तो उसके आसपास भरेंगे, 150 के आसपास। ठीक है, तो लोड में आने तक इंतज़ार कर लेते हैं दोस्तों। सेक्शन में हवा किस तरह भरते हैं, सेक्शन लाइन में हवा किस तरह भरते हैं, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप हवा बड़ी आसानी से भर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों कंप्रेसर लोड में आ चुका है, ठीक है, और जो डायरेक्ट लोड है वो कंप्रेसर लोड में आ चुका है, दो पिस्टन लोड में आ चुका है। अब हम मैन्युअली दो पिस्टन को ऑन करेंगे, तो देखते हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है दोस्तों। सेक्शन का प्रेशर, हम सेक्शन में हवा भर रहे हैं, तो सेक्शन का प्रेशर इस डिस्चार्ज वाले में बताएगा, डिस्चार्ज वाले प्रेशर गेज में बताएगा, सेक्शन में कुछ भी नहीं बताएगा, और ऑयल प्रेशर में ऑयल बताएगा। ठीक है, तो सेक्शन में जो प्रेशर होगा ये डिस्चार्ज वाले में बताएगा। अब हम एक लोड ऑन करते हैं और दूसरा भी कर लेते हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं कि 25 हो गया है प्रेशर, लगभग 30 PSI हो गया है, और इस KC4 कंप्रेसर का चारों पिस्टन अभी लोड में है, और हवा जो है ये हो रहा है, और वहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि प्रेशर गेज में कितना बता रहा है, LPR पर जो प्रेशर गेज है उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देख सकते हैं हम LPR के ऊपर हैं, लो प्रेशर रिसीवर है उसके ऊपर है, और यहाँ देख सकते हैं लगभग 50 के आसपास प्रेशर हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं, और अभी इसमें 50 पाउंड हवा हो गया है, 50 PSI देख सकते हैं, तो इसमें 140 पाउंड हवा भरेंगे, 140 PSI हवा इसमें भरेंगे। ठीक है दोस्तों, 140 PSI पर हम टेस्ट करेंगे, 150 नहीं भरेंगे क्योंकि ये घड़ी पूरी तरह इधर आ जाएगा, इसलिए घड़ी ख़राब ना हो, ये प्रेशर गेज ख़राब ना हो, इसलिए हम थोड़ा इससे कम हवा भरेंगे, इसके कैपेसिटी से कम भरेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि 60 PSI हो गया है, 60 हो गया है, अभी 90 PSI है, 90 प्रेशर है अभी, दोस्तों देख सकते हैं कि 120 से थोड़ा सा ज़्यादा है प्रेशर, तो हम इतना ही हवा भरेंगे। सबसे पहले जो बड़े बड़े लीकेज जो है वेल्डिंग किए हुए जगह से,
उस लीकेज को हम चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद से फाइनली हम 140 हवा भरेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इतना ही हवा भरे हैं, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए दोस्तों सर्फ जो होता है, वॉशिंग पाउडर, उसको घोलकर चेक किया जाता है। तो देख सकते हैं चेकिंग शुरू है, यहाँ चेक हो रहा है। तो जहाँ भी लीकेज होगा वहाँ पर झाग बनना शुरू हो जाएगा। तो ये चेक हो रहा है, जितने भी पॉइंट है, वेल्डेड पॉइंट है, सभी को चेक किया जाएगा। जितने भी लीकेज था सभी लीकेज को वेल्ड कर दिया गया है, और फ्लांज से जो लीक था उसको भी टाइट कर दिया गया है। अब मैं दोबारा कंप्रेसर को स्टार्ट किया हूँ, दोबारा से मैं हवा भर रहा हूँ, और अभी 90 हो गया है। देख सकते हैं कि 90 PSI अभी हुआ है। इसमें अब हम भरेंगे 140 PSI, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों कि 140 के आसपास हवा इसमें है, ठीक है। इसमें 150 नहीं भर सकता था क्योंकि ये प्रेशर गेज ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह बड़ी आसानी से आप लो प्रेशर रिसीवर में हवा भर सकते हैं, LPR सिस्टम में हवा भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।